बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपवर्क से पैसे कमाने से मतलब। पहले हम अपवर्क के ऊपर बिड्स किया करते थे, तब जाके हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे, ठीक है। और कुछ जो न्यू बंदे थे अपवर्क के ऊपर, उनको अच्छे तरीके से बिड्स नहीं करने आती थी, वो अपनी बिड्स भी ज़ाया करते थे, अपने कनेक्ट्स भी ज़ाया कर देते थे, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता था। अगर आप भी अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और आप भी बिड्स पे बिड्स कर रहे हैं, अपने कनेक्ट्स ज़ाया कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक वो गलती क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसेंटली अपवर्क ने एक नई फीचर लॉन्च की थी, अपवर्क प्रोजेक्ट कैटालॉग। कुछ लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया कि क्या इसे कैसे क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे सकता है। बिड्स ही मेन चीज़ है, ठीक है, अपवर्क के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रोजेक्ट कैटलॉग से भी ऑडिट्स ले सकती हैं, और आज की वीडियो का मेन मकसद ही यही है कि आपको अपवर्क प्रोजेक्ट के कैटलॉग से मतलब बताऊं मैं, और अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊं जो मैंने कंप्लीट किए हैं अपने अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग से, जो मुझे क्लाइंट्स ने दिए थे, ठीक है। अगर आप भी अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि आप प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएं कैसे, ठीक है, क्लाइंट आपको कैसे हायर करेगा, ठीक है, क्या आप काम करोगे, मतलब जो भी आपके कंफ्यूजन है प्रोजेक्ट कैटलॉग से रिलेटेड, वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा, और आप बगैर बिड किए अपवर्क से पैसे कमा सकेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ एक बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा, नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड या ऐसी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलते हैं फिर अपने पीसी पे, अपने अपवर्क अकाउंट के ऊपर। मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा जो मुझे मिले थे, ठीक है, अपनी प्रोफाइल भी दिखाऊंगा, कोई हाई प्रोफेशनल लेवल की प्रोफाइल नहीं है मेरी, सिंपल सी प्रोफाइल है, ठीक है। कैसे क्लाइंट ने मुझे हायर किया, क्या काम करना था, ठीक है, कैसे काम किया, कैसे सबमिट किया, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आ चुके हैं जी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपवर्क की प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है, जो मुझे कैटालॉग से क्लाइंट ने परचेज किया मेरा कैटालॉग, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी माय जॉब्स एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी सारी जॉब्स चेक कर सकती हैं जो भी आपने रिसेंटली की हैं। तो अगर मैं नीचे आऊं तो ये मैंने दो किए थे, और ये देखें अभी प्रोजेक्ट इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसकी ये डिटेल्स आपको शो करवा देगा, ठीक है। तो ये जी $30 का प्रोजेक्ट था, डिलीवरी डेट थी April 23, ठीक है। मैंने काम करके सबमिट किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्लाइंट की तरफ से, लेकिन जैसे क्लाइंट ऑनलाइन होगा तो देन वो एक्सेप्ट कर लेगा, इसका कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। आप यहीं पे आके माई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में यहीं पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को चेक कर सकते हैं अपवर्क में, यहीं पे आप डिलीवर करेंगे, आप चेक करेंगे कि आपको कितने डॉलर का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, आपकी टोटल अर्निंग अगर क्लाइंट ने पे कर दी है तो कितनी हुई है, ठीक है। मैसेजेस एंड फाइल्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, टर्म्स एंड सर्विस सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपको चेंजेस करनी है वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर आके देख सकते हैं कि ये है जी यू विल गेट सुपर फास्ट ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ, ठीक है। ये मेरा एक प्रोजेक्ट कैटलॉग है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है अपने अपवर्क प्रोफाइल पे, अभी मैं आपको ये चेक भी करवाऊंगा, ठीक है। ये आपको प्रोजेक्ट नजर आ गया, अब हमें करना क्या है, मैं दोबारा मेन पेज पे आता हूँ अपवर्क पे, और यहाँ पे हम मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे अपने कैटलॉग्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माय प्रोफाइल एंड यहाँ पे सिंपल व्यू प्रोफाइल पे चलते हैं हम, ये मेरी मेन प्रोफाइल आ गई। ये मैंने कोई प्रोफेशनल तौर पे नहीं बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट की थी मैं, यहाँ ना ही अपवर्क पे इतना ज्यादा काम करता हूँ, मेरा मेन काम है फाइबर पे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कैटलॉग बना के रखे हुए हैं, कभी एक मंथ में एक दो बार कोई ना कोई आके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर जाता है, तो उसी की अर्निंग आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक प्रोफेशनल तौर पे लेके चलूं तो यहाँ से भी मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर आप मैं थोड़ा सा नीचे हूँ अपनी प्रोफाइल पे, नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये आ गए जी योर प्रोजेक्ट कैटलॉग, ये मेरे वो सारे प्रोजेक्ट कैटलॉग हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं और ये एक्टिव हैं, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे आई थिंक क्रिएट कर सकते हैं, मुझे कोई इनकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है कि आप कितने क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई 5 से 6 क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको दिखाया था प्रोजेक्ट कैटलॉग जिसके ऊपर मुझे ऑर्डर मिला है वो ये वाला है, ठीक है, ये देखें यू विल गेट सुपर फास्ट ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं व्यू प्रोजेक्ट में कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं, तो ये देखें ये अभी एक कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस
दिखा भी रहा है आपको, सेम एज इट, जैसे फाइबर के ऊपर गिग होती है, सेम यही प्रोजेक्ट कैटलॉग होते हैं अपवर्क के ऊपर। आप देख सकते हैं ये गिग भी ऐसे शो होती है, ये ऊपर कैटेगरी आ गई, ठीक है, ये इमेजेस आ गई, यहाँ पे रिव्यूज प्रोफाइल्स आ गई, और यहाँ पे ये सर्विसेज पैकेजेस आ गए तीन, ठीक है, स्टार्टेड $30 का, स्टैंडर्ड है, एडवांस है, ठीक है, ये नीचे वो सेम जो हम फाइबर गिग के अंदर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद ये नीचे प्रोजेक्ट डिटेल्स आ गई, ठीक है, जो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन होती है फाइबर गिग्स की, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट डिटेल्स है अपवर्क के ऊपर, और ये प्रोजेक्ट स्टेप्स होती हैं इसमें कि आप कितने स्टेप्स में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, तो वो आप ऐड करोगे जब आप प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कैसे करना है वो ऑलरेडी मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो मेरी अपवर्क प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट रिक्वायरमेंट्स में आप रिक्वायरमेंट्स ऐड करोगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग की, और ये नीचे आपकी रिव्यूज शो हो रहे हैं, ये प्रोफाइल शो हो रही है, ये नीचे आपके अदर प्रोजेक्ट कैटलॉग शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कैटलॉग बड़े काम की चीज है, ठीक है, क्लाइंट के लिए भी आसानी है, उसको अगर $30 का काम करवाना है ना मुझसे बहस करनी पड़ेगी, ना कुछ और डायरेक्टली आएगा यहाँ पे एंड कंटिन्यू यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा, लेकिन मेरे पास फिलहाल ये ऑफ है क्योंकि ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, तो आप जब चाहें आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं एडिट प्रोजेक्ट में। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आप क्रिएट कैसे करोगे, कहां से करोगे प्रोजेक्ट का डालो। तो जब आप अपनी मेन प्रोफाइल पे आएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आए, ये देखें मैनेज प्रोजेक्ट्स पे, यहाँ पे आप क्लिक करें एंड यहाँ पे आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम फाइवर पे गिग के बना सकते हैं, तो सेम एज इट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्लाइंट आपको कैसे आपका जो प्रोजेक्ट कैटलॉग होगा वो कहाँ शो हो रहा होता है, कुछ लोगों के जेन में ये चीज आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे जो मेन होम पेज है यहाँ पे तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही शो होते हैं, लेकिन मतलब आप जिनके ऊपर आप बिड कर सकते हैं आपके कैटलॉग शो नहीं होते, तो क्लाइंट कैसे फाइंड आउट कर सकता है, तो यही ऊपर जो टॉप पे सर्च का रिजल्ट बटन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये नीचे देखें टैलेंट नीचे प्रोजेक्ट न्यू दिखा रहा है, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ YouTube एंड सिंपल एंटर करूँ तो आप देख सकेंगे कि कितने लोगों ने इसके ऊपर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाए हुए हैं। देखिए 8,880 लोगों ने ये अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए जैसे गिग्स शो हो रही होती है फाइबर पे, हमें सेम एज इट यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कैटलॉग्स शो हो रहे हैं। तो यार आप भी अगर अभी तक आपने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया तो अभी आप फोकस करें इस चीज के ऊपर और अभी अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करें, ठीक है। तो कहीं भी आपको कोई इश्यू आए तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये चीज कंप्लीट गाइड की है कि आप कैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाओगे, और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये चीज समझ लगी होगी और आप लाजमी प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे, ठीक है, और आप फाइव अपवर्क से बगैर बिड किए, बगैर अपने कनेक्ट जाया किए फ्री में यहाँ से अपवर्क से अर्निंग कर सकते हैं। तो यार अपवर्क बड़ा जबरदस्त चीज है, आप लाजमी इसको ज्वाइन कीजिएगा और लाजमी इसके ऊपर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाइएगा, ठीक है। आप बिड्स भी कीजिएगा लेकिन जो मेन फोकस अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग पे रखिएगा, उसको जितना आप अच्छा ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना अच्छा बनाएंगे उतना आपके फायदे की चीज है। तो आई होप यार आपको ये चीज समझ आई होगी और आपको पसंद आई होगी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो या इस टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।